साथियों, तानाशाह डर गया है, शहनशाह घबरा गया है। हमारे साथी विधायक गुजरात के जिग्नेश मेवानी जी की रातों रात कोकराझार असम पुलिस से पालनपुर गुजरात तक पुलिस ले जाकर गिरफ्तारी करना इस घबराहट का, इस छटपटाहट का संदेश भी है और चिन्ह भी है। क्या इस देश में अब कम्युनल एमिटी यानी सांप्रदायिक सौहार्द, उसकी अपील करना और प्रधानमंत्री से धर्म के नाम पर लोगों को ना लड़वाने की अपील करना अब अपराध है? क्या गुजरात के अंदर हिम्मत नगर हो या वेरावल हो, इनके अंदर जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करना कि वो गुजरात आएंगे और बापू की, महात्मा गांधी की धरती पर शांति की अपील करेंगे, क्या ये अपराध हो गया है? क्या इस देश में संविधान को अब रोन दिया गया है और कानून की हत्या कर दी गई है? जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी ये दर्शाती है। पर जान ले तानाशाह और जान ले सत्ता के अहंकार में अंधा हुआ शहनशाह, ये आवाज़ जिग्नेश मेवानी की हो या कांग्रेस के और देश के हर उस व्यक्ति की जो सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे में आज भी विश्वास करता है, जो ये सोचता है, जानता है, समझता है, मानता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक देश में इकट्ठे भाईचारे से रह सकते हैं, जो इन्हें तोड़ने का प्रयास करेगा वो चूर चूर हो जाएगा, वो बच नहीं सकता। हमारी लड़ाई, हमारी जंग सांप्रदायिक सौहार्द की, भाईचारे की, धर्म से धर्म के टकराव की नहीं, धर्म से धर्म के प्रेम की सदैव जारी रहेगी। न मोदी जी इसे हरा सकते, न देश की और कोई ताकत। मेवानी जी के साथ पूरी कांग्रेस और इस देश का हर सजग व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम लड़ेंगे, हम ना डरेंगे ना झुकेंगे। राहुल गांधी जी का सदैव एक निर्णय रहा है कि हम हर अहंकारी सत्ता के खिलाफ छाती अड़ाकर लड़ेंगे, ना डरेंगे ना झुकेंगे ना पीछे हटेंगे। जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार करिए, मुझे गिरफ्तार करिए, राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करिए, कांग्रेस के और इस देश के हर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दीजिए जो इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द चाहता है। पर ये देश, इस देश की मूलभूत सभ्यता पर आप आक्रमण जो किया है उसे कभी हरा नहीं पाएंगे। सर, इस पैटर्न को कैसे देखते हैं आप कि वहाँ आसाम की पुलिस गुजरात पहुँच जाती है, पंजाब की पुलिस दिल्ली पहुँचती है, कुमार विश्वास को नोटिस दिया जाता है, आपकी नेता अलका लांबा को नोटिस दिया जाता है, वहाँ जिग्नेश मेवानी को तो गिरफ्तार कर नहीं पहुँच जाती है पुलिस, इस पैटर्न को कैसे देख रहे हैं? ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में, संविधान के लिए भी, प्रजातंत्र के लिए भी और इस देश में विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भी। अलका लांबा जी का या कुमार विश्वास जी का क्या कसूर है? क्या इस देश में अब सवाल पूछना कसूर हो गया है? क्या आप 15, 20, 25, 50, 100 पुलिस के लोग और दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस के साथ कैसे मिली हुई है, ये भी एक सवाल उठता है। क्या ये कहीं मिलीभगत से हो रहा है, ये भी एक सवाल उठता है। हमारे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, हमारे पंजाब के प्रभारी, हमने इस बात का पूरा संज्ञान लिया है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सब गिरफ्तारी देंगे। अगर सवाल पूछना इस देश में अपराध है तो जान ले सत्ता में बैठे हुए हुकमरान, हम ये अपराध बार बार करेंगे।